वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी लवर्स माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो हमारी होने जा रही है वो एक जानकारी पूर्ण वीडियो होगी, जिसमें कि मैं आपको एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, पैटर्न नहीं एक कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बताऊंगा, सॉरी गाइस। और ये रिसेंटली हमारे ट्रेडिंग व्यू पे ये इंट्रोड्यूस किया गया है, पिछले 2-3 महीने पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे भी लगा कि ये अच्छी जानकारी होगी आम ट्रेडर्स के लिए, जिसकी मदद से वो कुछ अच्छा कर पाए। और ये जो कैंडलस्टिक चार्ट होगा वो ये आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के हैं, बार चार्ट है, कैंडल्स चार्ट है, हॉलो कैंडल है, कॉलम्स है, लाइन है, एरिया है, बेस लाइन है, हेकनाशी है, रेनको है, लाइन ब्रेक, कागी, पॉइंट एंड फिगर, रेंज वाला, ये सारे चार्ट है। हम बेसिकली हाई लो कैंडलस्टिक चार्ट पे फोकस करेंगे। ये हाई लो कैंडलस्टिक चार्ट पहले दिखता कैसा है वो मैं आपको दिखा दूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप भी इसी तरह करना। ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिलेगा और कोई वेबसाइट पे हाल फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है, तो इस पे आप जाके हाई लो कैंडलस्टिक हाई लो पे आप क्लिक करें तो आपको इस तरह का एक कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिखेगा। टाइम फ्रेम मैंने डे रखा है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और इसको जैसे कि आप डबल क्लिक करोगे तो आपको इसमें इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, बॉडी को आप जो भी चाहे अपना मन पसंदीदा कलर दे सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं येलो देना है येलो दे दीजिए, लाइट ब्लू देना है लाइट ब्लू दे दीजिए, और कोई भी रंग आपको जो पसंद है, इसका बॉर्डर्स का रंग आप जो भी चाहे वो दे सकते हैं, लेवल्स जो भी इसका जो हाई लो की रीडिंग होगी वो लेवल आपको कैंडल के ऊपर दिखाई देगा। अभी आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगा। और फिलहाल मैं इसको वाइट ही रखूँगा, इस तरह से कुछ दिखेगा ये, ठीक है। तो इसको मैंने ओके कर दिया। इस तरह से आप सेटिंग्स में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, कलर वाला वगैरह। जैसे मैं इसको कैंडल्स को बड़ा करूँगा तो आपको ये दिख जाएगा, ये हाई है इस कैंडल का, ये लो है इस कैंडल का, तो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली इस चार्ट में और हमारे नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में फ़र्क क्या है, तो जब भी कोई बुलिश कैंडल बनती है जिसका जो है ओपन नीचे होता है, क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, तो ग्रीन बन जाती है। तो उसी तरह से हमारा ये ग्रीन कलर आ जाता है, जिसका ओपन ऊपर और क्लोज नीचे हो जाए वो रेड कलर की कैंडल बन जाती है। तो इस तरह से दो कलर्स हमें दिखते हैं और इसका हाई लो ये भी हमें इन कैंडलस्टिक चार्ट में दिखता है। तो इस जिसके वजह से ये वीक्स जनरेट होते हैं या शेडोज, विक या शेडो या पूंछ, आप जो भी टेल जनरेट होती है जो भी आप समझो, तो ये हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का क्रिएट करते हैं। अगर हम ट्रेड में जाना चाहते हैं तो हरा लाल देख के या विक्स को देख के थोड़ा हम घबरा से जाते हैं। तो इन चीज़ों में क्या होता है, ऐसे चार्टों में हाई लो में इसमें हमने कलर्स एलिमिनेट कर दिए और विक्स का इसमें कोई नामो निशान नहीं है, तो हमारा फोकस एक न्यूट्रल वे में रहता है मार्केट को देखने का। तो इसमें बेसिकली हम किस तरह से देखते हैं, कोई भी कैंडल, जैसे कि ये कैंडल पिछली कैंडल के बाद ये कैंडल बनी, तो ये कैंडल का आप देख सकते हैं इसका लो जो है हायर लो है, और इसका जो पिछली कैंडल का जो हाई है उससे ऊपर इस रिसेंट कैंडल का है, तो ये हायर हाई हायर लो बनाया, तो ये क्या कैंडल हो गई, ये हो गई आपकी बुलिश कैंडल, ठीक है। तो बुलिश कैंडल हो गई। उसी तरह से जैसे कि ये कैंडल है, अगर इसका हाई ये वाली कैंडल का हाई पिछली कैंडल से कम है और इसका लो ये भी पिछली कैंडल से कम है, मतलब ये कैंडल का लो इस कैंडल से लो से कम है और इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से कम है, तो ये क्या हो गई, बेरिश कैंडल हो गई। तो इस तरह से दो टाइप की कैंडल बन गई और दो टाइप की हॉर होती हैं बेसिकली इसमें कैंडल्स। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें किस तरह से हम देखते हैं, जब भी कोई कैंडल इंडिविजुअल कैंडल में क्या हुआ है पर्टिकुलर आज ये टाइम फ्रेम में ये दर्शाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका लो है, यहाँ पे इसका हाई है, इसमें ओपन और क्लोज आपको नहीं दिखेगा।
तो बेसिकली हमें पता लग जाता है कि पिछले कैंडल को कंपेयर करके कि ये कैंडल का से हमें पता लगता है कि मार्केट किस दिशा में है। जैसे कि ये कैंडल के ऊपर ये कैंडल बनी है और इसका लो इस कैंडल के लो से ऊपर है और इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से ऊपर है, तो ये बुलिश मोमेंटम कैंडल है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इसमें बायर्स ने डोमिनेट किया है सेलर्स को और मार्केट जो है बायर्स के कंट्रोल में। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये पिछली कैंडल का लो है इस कैंडल ने तोड़ दिया और पिछली कैंडल का हाई भी इस कैंडल ने नीचे की तरफ तोड़ दिया, मतलब इसका हाई पिछली कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से ज़्यादा है और पिछली कैंडल का लो भी इस कैंडल के लो से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया है और सेलर्स के हाथ में मार्केट है। ये तो बेसिकली बेयरिश और बुलिश कैंडल हो गई। अब दो तरह की कैंडल और होती हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि एक होती है इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल किसको कहते हैं, उसका जो है एज ए लोअर हाई। इनसाइड कैंडल किसको बोलते हैं, इसका लोअर हाई होता है एंड ए हायर लो। ठीक है, लोअर हाई एंड ए हायर लो। तो किस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला इसका लोअर इनसाइड कैंडल का इसमें क्या होता है, लोअर हाई होता है। ये देखिए इसका जो है इसका लोअर हाई है, ये वाली कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ये बनी है। तो इसका लोअर हाई है और हायर लो है, यानी कि इस लो से इसका लो हायर है। तो इस कैंडल के अंदर ये समाई है। तो जनरली इन कैंडल से क्या होता है कि इन कैंडल्स वही ट्रेंड में रहते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, जिस ट्रेंड में मार्केट होगा उसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं ये इनसाइड कैंडल है, आप इस कैंडल के अंदर ये समा गई है, तो इसको वही ट्रेंड रखेगा जो इसमें था। देखिए ये अप ट्रेंड में था, इस कैंडल से ये कैंडल ऊपर है और फिर ये कैंडल बनी, ये भी इससे ऊपर है और फिर इसके अंदर ये इनसाइड बार बनी और बाद में यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का डाउन ट्रेंड आया था लेकिन इसका लो को ये तोड़ नहीं पाया, तो ये अप ट्रेंड ही कहा जाएगा, तो इसको अप ट्रेंड में माना जाएगा। तो इस तरह से देखने का आपका नज़रिया कैंडल स्टिक को बदल जाएगा। और चौथी नंबर की जो कैंडल हमारी होने वाली है वो इनगल्फिंग, जिसको कि आप कह सकते हैं कि इस तरह की कैंडल या इस तरह की कैंडल, जो इसमें क्या होता है कि एक जो इनगल्फिंग कैंडल है वो पहली वाली कैंडल को पूरा कवर कर लेगी या उसको पूरा ढक देगी। तो उसमें क्या होता है, उसका होता है हायर हाई, इसका हायर हाई होता है, पिछली कैंडल से हायर हाई होगा और लोअर लो होगा, इस कैंडल से इसका लो नीचे होगा, तो ये इनगल्फ कर लेती है। तो इस तरह की आप कैंडल्स देख सकते हैं, इसमें आप हाई लो मार्क कर सकते हैं इस तरह से, और जिस तरफ भी ब्रेकआउट दिया उस तरफ आप एंट्री कर सकते हैं। या जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेल करते तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता, यहाँ तक मार्केट नीचे गई थी। उसी तरह यहाँ पे भी कहीं देखा था मैंने, यस ये वाला, ये देखिए ये है, ये तो इनसाइड बार है, सॉरी ये वाली है इनगल्फिंग। ये देखिए जनरली क्या होता है कि ये जो इनगल्फिंग जो कैंडल होती है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है। जनरली कुछ केसेस में हो सकता है कि जैसे कि यहाँ देखिए इसको इनगल्फ किया लेकिन ये अपने ट्रेंड को इसने अपने ही कंटिन्यू रखा। ये देखिए ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी, फिर इनगल्फिंग बनी, लेकिन अपने ट्रेंड को इसने बरकरार रखा। तो जनरली ये होता है। अच्छा, इसमें और चीज़ होती है, कई चीज़ें होती हैं कि जब भी लगातार आपको हायर हाई कैंडल मिले और हायर लो मिले तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आप समझ सकते हो, इससे आप समझ सकते हो कि मार्केट कहाँ जा रहा है। और जब कैंडल लोअर लो बनाए इस तरह से, देखिए लोअर लो और लोअर हाईज बनाए, तो मार्केट का मोमेंटम नीचे को है, मार्केट बेरिश है, ये आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो जब भी जैसे ये हायर हाई, यहाँ से हायर हाई बन रहा था, देखिए हायर हाई इससे हायर हाई, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे जब इसका इसके लो के नीचे ये बन रहा, तो यहाँ पे ट्रेंड
थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन फिर वो वापस ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्या, जैसे कोई भी कैंडल उल्टा बन जाए, यानी कि जैसे कि हायर हाई हायर लो बनती है, बनने के बाद लोअर हाई हो जाए और लोअर लो हो जाए, तो ये एंड ऑफ द अप ट्रेंड हो जाता है और ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत माना जाता है। लेकिन फिर दोबारा इस ट्रेंड ने चेंज कर दिया डायरेक्शन। तो इस तरह से आपको जज करना है, पकड़ना है कैंडल स्टिक को और देखना है। दूसरी एक चीज़ है इसमें, आप इसमें पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं। देखिए, आप अगर आप इसमें इसमें आप आसानी से मेजर स्विंग, हाई स्विंग, लो देख सकते हैं या पहचान सकते हो, पकड़ सकते हो। देखिए, आप सीधा सीधा यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दूंगा तो आपको क्लियरली कट पता लग जाएगा। देखिए, स्विंग हायर हाई, आप देखिए ये डबल टॉप आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए डबल टॉप, आप देखिए यहाँ पे डबल टॉप बना था, ये सेम है। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे दोबारा, यहाँ से गिरी और जब दोबारा इसने इसको टच किया दोबारा गिरी। उसी तरह से एक जोन होता है, कोई एक नेसेसरी लेवल नहीं है, पर एक जोन होता है जिसको कि आप मार्क करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ट्रेंड को, रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखिए, अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ पे जितनी बार टच किया, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आराम से इसमें ढूंढ सकते हो और इसमें ट्रेड कर सकते हो। देखिए, फिर दोबारा यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर जब दोबारा यहाँ पे टच किया, दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया और दोबारा जो ये पिछला रेजिस्टेंस था वहीं तक गई मार्केट। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, बहुत आसान है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आराम से दिखेंगे, दूसरे कई पैटर्न्स आपको दिख सकते हैं। देखिए, बेसिकली आपको दिख रहा होगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, एक मिनट, मैं आपको W और M पैटर्न आपने सुना होगा मार्केट में। देखिए, ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये इसका ऊपर से नीचे को आया, ठीक है दोस्तों। अब फिर मैं एक आपको ये देखिए यहाँ तक गया और फिर यहाँ से नीचे आया, आप देख रहे हैं, आपको W नज़र आ रहा होगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोबारा यहाँ तक आया, यहाँ पे पिछला आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट मिला है पिछली बार भी, और ये फिर ये यहाँ तक चला गया। अब ये आपको W मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब W का क्या होता है आपको पता है कि जो ये W का जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ से मार्केट जब ब्रेकआउट दे, यहाँ से ये देखिए इसके पैरेलल यहाँ पे ब्रेकआउट दे, उसके बाद मार्केट यहाँ से आप बाई करते, यहाँ इस कैंडल पे कहीं तो सीधा ऊपर गया था, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहता नीचे। और वैसे भी आपको यहाँ पे देखिए सपोर्ट एक बार मिला हुआ है, वैसे भी आप यहाँ पे भी बाय करते एक कैंडल बाद तो ये मार्केट देखिए सीधा ऊपर गया। तो प्राइस एक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन ये कैंडलस्टिक चार्ट है। आप इसको इस पर प्रैक्टिस करें, इसको रोज़ देखें तो आपका आंखें जो है सेट हो जाएंगी और आप पैटर्न्स को याद रखने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं कहीं M पैटर्न मिलता है तो वो भी दिखाता हूँ, M पैटर्न। और दूसरा ये कि ट्रेंड लाइन को भी बहुत अच्छा ये देता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से, सॉरी गाइस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ट्रेंड लाइन करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से, देखिए ये डाउन ट्रेड में था मार्केट, ये देखिए आप, मैं खाली पॉइंट्स को मिला रहा हूँ। देखिए आप देखिए, ये देखिए कितना टच में, 1, 2, 3, 4, 5, और जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर निकली, मार्केट देखो कहाँ गई, आप देख सकते हो, मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करें,
देखिए ट्रेंड लाइन में बॉटम से बॉटम को मिला रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट ज़्यादा तो नहीं गई पर गई नीचे, ठीक है। और भी है, और भी चीज़ है, ये ट्रेंड लाइन को इस तरह से मार्क करना, डब्ल्यू एम पैटर्न खोजना ट्राई करो तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इतना नीचे गया, ये देखिए ये हमारा पुराना यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ये देखिए कभी ये अगर इसको तोड़ दे तो ये सपोर्ट बन जाएगा, अगर इसको ना तोड़े तो ये सपोर्ट रहेगा, सॉरी रेजिस्टेंस रहेगा, और आगे जैसे तोड़ा तो यहाँ पे ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया, आप देख सकते हैं पिछले में भी इसने दिया है। देखिए आप इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस करें और हाई लो चार्ट का उपयोग में लाएं, देखें समझें और आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा। आपका जो नज़रिया है ये लाल और हरी कैंडल और विक्स देखने का, ये सब आपका दूर हो जाएगा और आप प्योर प्राइस एक्शन पर फोकस करोगे। तो साथियों आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके कुछ ज्ञान देने लायक होगी और आप इसको इन पॉइंट्स को याद रखकर इसको एक्चुअल मार्केट में प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये सारा आप खोज सकते हैं, इसे बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा, आप सब मिल जाएगा आपको। देखिए आप सीधा सीधा देख सकते हैं, देखिए ये कितना टचेज है यहाँ पे, इस तरह से आप खोजोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन बना लीजिए, ये देखिए देखिए यहाँ से नीचे गिरी आपको पॉइंट्स मिले। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। जो लोग का डीमैट अकाउंट नहीं है और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मेरे पास अपस्टॉक्स में पार्टनरशिप है, मेरे अंडर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग का शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और इसका आप ट्रेडिंग में सही उपयोग कर पाएंगे। इसी अनुरोध के साथ कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट जरूर करोगे, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। तो अलविदा दोस्तों, मिलूंगा अगली वीडियो में जल्दी ही।